ये है स्कॉर्पियो S11 वाइट कलर के अंदर देखने को मिलती है हमको। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इसका व्यू। ये है स्कॉर्पियो, शानदार व्यू है इसका, बहुत ही डैशिंग लुक है इसका। और आगे की तरफ हमको मिल जाती है ग्रिल्स वगैरह, देख सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ फॉग लैंप्स मिलते हैं। ब्लैक कलर की इसका प्लेट और नीचे की तरफ हमको ऐसी जो ये प्लेट मिल जाती है डर्ट रेजिस्टेंस के लिए। आगे से हमको ऐसी नज़र आती है, यहाँ पर स्कॉर्पियो का लोगो मिल जाता है महिंद्रा का। और यहाँ से जो इंजन गर्म होता है उसकी बाप वगैरह यहाँ से निकल जाती है। ये इसकी यहाँ से मिरर है, इसमें टायर्स हैं इसके। टायर्स दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर ब्रिज स्टोन के टायर मिलते हैं हमको, देख सकते हैं आप। ये है इसका पूरा साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे इधर मिरर पे हमको ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये स्कॉर्पियो बैजिंग, यहाँ पे फुटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। पीछे की तरफ इसके टायर्स मिल जाते हैं। ये इसका व्यू पीछे से, डी शेप में इसकी लाइट्स मिल जाती है हमको। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो ये गैप है, जो जो बूट स्पेस है वो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है। यहाँ पे पीछे हमें दो स्पीकर मिल जाते हैं। ये है इसका बूट स्पेस। यहाँ पे ये जो सीट्स हैं इनको हम नीचे कर सकते हैं ऐसे करके, ये नीचे हो सकती है सीट। और अभी हम इसको कर देते हैं डाउन, ऐसे कर सकते हैं। तो सीट काफ़ी भी इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पीछे की तरफ हमको लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ से जो ये विंडो है ये भी खुल जाती है हल्की सी, जो पीछे वाले जो सबसे थर्ड रो पैसेंजर हैं उनके लिए काफ़ी सही है। यहाँ से एयर पास वगैरह हो सकता है। तो पीछे वाली ये जो कांच है ये भी खुल जाता है और काफ़ी स्पेस आ जाता है इसके अंदर। फिर चलते हैं इसकी जो आगे वाली सीट है वो देख लेते हैं हम। ये पीछे से पूरा महिंद्रा लिखा हुआ है इसका, ये है महिंद्रा, ये है स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। डी कलर की लाइट्स आ जाती है यहाँ पे। पीछे से चढ़ने के लिए हमको ये रैंप वगैरह दे रखा है। तो अब चलते हैं इसकी लाइट्स की तरफ। यहाँ पे रेड कलर की डी शेप में लाइट आ जाती है। ये S11 की बैजिंग स्कॉर्पियो। और यहाँ पे इसका टायर साइज दे रखे हमको, ये इसके टायर ब्रिज स्टोन करके, यहाँ पे ये स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। ये इसका डोर मिल जाता है हमको, यहाँ पे हमको ये मिरर कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर ये फैब्रिक मिल जाता है, यहाँ पे हम बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक मिल जाता है। और ये इसकी सीट है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी बैठ गए हैं S11 के अंदर। ये है S11 और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार, ये यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। पीछे की तरफ हमें दो छोटी एसी मिल जाती है जो पूरी तरीके से एडजस्टेबल है, कर सकते हैं हमको एडजस्ट, यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग है और यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट दिया हुआ है जहाँ से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो पॉकेट होल्डर मिल जाते हैं पीछे, जो मैगजीन वगैरह भी रख सकते हैं। और यहाँ से विंडो कंट्रोल है, ग्रैबिंग हैंडल है, यहाँ पे छोटी सी कोई भी चीज़ रखते हैं, बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ से हमको मोबाइल को भी, मोबाइल के इधर कोई भी ड्रेस वगैरह टांग सकते हैं। यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह मिल जाती है, ये हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप देखिए हैलोजन लैंप्स आगे पीछे हो जाते हैं कंट्रोल, और इसको कर देते हैं बंद और इस वाले करते चालू, इसको कर सकते हैं हम पीछे, ये पीछे आगे पीछे, इसको कर देते हम बंद, ये हो गया बंद। तो यहाँ से ऐसी नज़र आती है स्कॉर्पियो S11, देख सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब आगे की तरफ मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कैसी है स्कॉर्पियो S11 और ऐसा लुक है इसका पूरा। अभी अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है आगे का प्रोफाइल, ये इसके टायर्स हैं। अब चलते हैं आपको डोर्स दिखा देते हैं। ये है इसका, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं डोर पे, और यहाँ पे फैब्रिक फिनिश है, यहाँ पे कुछ भी छोटी सी होल्डर है, और यहाँ पे मैगजीन है जो यहाँ पे रबड़ है, मतलब मैगजीन को वगैरह रख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे स्पीकर है। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, अभी अंदर बैठ चुके हैं, सीट कर देते हैं इसके पीछे पीछे, और थोड़ा सा पीछे इसका एडजस्ट कर देते हैं। तो ये है स्कॉर्पियो S11, ऐसी नज़र आती है। ये उसका स्टेयरिंग है जिसको हम सीधा कर लेते हैं अभी, और अभी इसको हम ऑन कर देते हैं।
ये क्लस्टर कंट्रोल वगैरह है इसका, देख सकते हैं ये एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये सब कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्यूर ये सब लाइटनिंग वगैरह के। और ऐसा यहाँ पर थ्री पेडल है, ये रेस ब्रेक, ये क्लच, ये ऐसा इसका स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, और ये यहाँ से इसका डिजिटल क्लस्टर कंट्रोल मिल जाता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, देख सकते हैं हम, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे हमको एसीमेंट मिल जाती है, यहाँ पे भी हमको स्पेस मिल जाती है, और यहाँ से ये ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह हम कर सकते हैं, यहाँ से फ़ैन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं एसी कंट्रोल वगैरह जो हम आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी एसी कंट्रोल दिख रहे हैं, फ़ैन एग्जॉस्ट कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम मोबाइल वगैरह को भी होल्ड कर सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है सॉकेट, और ये देख सकते हैं इसके अंदर 6 गियर ट्रांसमिशन प्लस 1 रिवर्स गियर, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रबड़ का मैट मिल जाता है, मतलब यहाँ पे हम मोबाइल वगैरह को रख सकते हैं, ये हमको मिल जाता है हैंड ब्रेक, ये इसके साथ में फिनिश कर रखा है। यहाँ पर दो होल्डर्स मिल जाते हैं, एक कप होल्डर और एक ये, और इसकी सीट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, ये देखिए इसका, ये इसका लुक है। अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुकी है, अभी हैंड ब्रेक वगैरह लगा हुआ है, कहीं नहीं जाएगी गाड़ी। तो इसके एसी वगैरह भी बहुत ही शानदार है और जल्दी काम करती है, बड़े ही जल्दी इसके अंदर ये चिल्ड कर देती है। देखिए यहाँ पे ये मिरर मिल जाता है पीछे की तरफ देखने के लिए, यहाँ पे हमको सन वाइज़र कंट्रोल मिल जाए, यहाँ पे हम कैमरा वगैरह, कैमरा क्या ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, और ये वैनिटी मिरर मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो मिरर नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, और इधर यहाँ पे को मिरर मिल जाता है, और ये है इसका ग्लोव बॉक्स, यहाँ पे हम कोई भी मैगजीन वगैरह रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है इसका पूरा डैशबोर्ड है, देख सकते हैं हम, बड़ा ही शानदार है। यहाँ से ऑडियो कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है ऑफ ऑन, और यहाँ पे सोर्सेज भी कर सकते हैं, कॉल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, ये इसका पूरा कंट्रोल मिल जाता है इसके अंदर, हम सेटिंग्स में जाके पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये है इसका होम, जिसमें पूरा नेविगेशन, एंड्रॉयड कार इन्फो वगैरह कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कहने का मतलब है काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, चारों तरफ से लुकिंग में भी बहुत ही अच्छी है। तो कुल मिला के ये है इस गाड़ी का, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, दोनों के अंदर हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, जो मैं बताना भूल गया था, हेडरेस्ट मिल जाते हैं, हैंडरेस्ट, हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे सीट में भी कुशन काफ़ी बढ़िया है, जो भी डोर पे जो था वैसा ही यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया हुआ है, साइड में यहाँ लेदर की स्टिचिंग वगैरह है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं, और जो स्टेयरिंग है उसके अंदर भी हमको लेदर की स्टिचिंग वगैरह मिल जाती है, जो बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं आप। ये है पूरी स्कॉर्पियो, ये जो है ये 21 नया मॉडल है, निकलते हैं बाहर की तरफ। ये इसका लुक, ये सामने से इसका लुक 360 व्यू, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये है स्कॉर्पियो S11, बहुत ही शानदार है। प्राइस इसकी यहाँ पे लमसम 20 लाख हो सकती है, हर स्टेट की अलग वेरी करती है, RTO को और इंश्योरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है।